नमस्कार, मनीष कश्यप। मनीष कश्यप एक ऐसा जर्नलिस्ट है जो कि बिहार गवर्नमेंट, बिहार पुलिस के साथ साथ तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ साथ तमिलनाडु के पुलिस की आंखों का तारा बने हुए हैं। मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए एक्ट लगा दिया गया है। अब एनएसए एक्ट क्या होता है? एनएसए का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ये उसके ऊपर लगाया जाता है जिससे लगता है गवर्नमेंट को कि इससे हमारे देश को खतरा है, और इस एक्ट में जो चीजें होती है उसको जानने के बाद आपके पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी। एनएसए एक्ट के तहत 3 महीने तक बिना किसी जमानत के आप उसे जेल में रख सकते हो और 12 महीने तक अरेस्ट कर सकते हो बिना किसी प्रूफ के। तो अगर लॉ एंड ऑर्डर से चला जाए तो मिनिमम से मिनिमम 3 महीने तक मनीष कश्यप तो जेल में रहेंगे ही रहेंगे। उससे पहले तो उनका छूटने का चांस ही मुझे नहीं दिखाई दे रहा। मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए एक्ट लगाया गया है ये कह के कि मनीष कश्यप से देश को खतरा है। चलिए, कुछ चीजें मेरे पास जो है वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, शायद उसके बाद आप डिसाइड कर पाओगे कि मनीष कश्यप से गवर्नमेंट को खतरा है, हमारे देश को खतरा है, या फिर कुछ लोगों को खतरा है। अगर आप मनीष कश्यप के सच तक न्यूज को देखोगे, उनके कंटेंट्स को देखोगे, तो आपको नजर आएगा कि वो हर जगह है। जहां कहीं भी हो, जितने भी वीडियोस हो, जितने भी पोस्ट हो, जहां कहीं पे भी करप्शन होता है उसके ऊपर वो बात करते हैं, उसके खिलाफ वो बात करते हैं। तो कैसे रोक सकते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। हमारी जो सड़कें हैं वो खराब क्यों है, कॉन्ट्रैक्टर घपला कर रहा है, नेता घपला कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, इसके ऊपर वो बात करते हैं। कहीं पे पॉवर्टी है उसके ऊपर वो बात करते हैं। कहीं पे कोई गरीब बच्चा है जिसके पास की पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, वो अपने पेट पालने के लिए कुछ काम कर रहा है, उसकी वो हेल्प करते हैं। तो इसी तरीके के वीडियोस आपको नजर आएंगे उनके चैनल के ऊपर। अगर एक शब्द में कहा जाए तो वो लोगों के हक के लिए आवाज उठाते हैं, लोगों के हक के लिए लड़ाई करते हैं। और अगर आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करके देखोगे तो आपको ऐसे बहुत कम, रेयरली कोई पत्रकार मिलेगा जो कि लोगों के लिए बात करता है, लोगों के हक के लिए बात करता है। वो ना तो किसी पार्टी का गुलाम है, ना किसी पार्टी की तारीफ करता है, ना ही वो किसी एक पार्टी की बुराई करता है। और जहां तक बात रह गई कि मनीष कश्यप ने कोई फेक वीडियो शेयर किया था माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर अटैक जो हुआ था उससे रिलेटेड, चलिए इस बार की बात छोड़ देते हैं। आपने जो कहा कि इस बार माइग्रेंट के ऊपर अटैक नहीं हुआ, ये सब फेक न्यूज था, हम लोग मानते हैं कि ये फेक न्यूज था, इसके कारण मनीष कश्यप को अरेस्ट किया गया। लेकिन आप एक बात बताइए, क्या कभी बिहार के जो माइग्रेंट वर्कर्स उनके ऊपर अटैक नहीं हुआ है? तमिलनाडु गवर्नमेंट से मैं पूछना चाहूंगा, आज तक कभी हिस्ट्री में कभी माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर अटैक नहीं हुआ है? जो लोग हिंदी बोलते हैं उनके ऊपर अटैक नहीं हुआ है? इतिहास उठाकर आप बताइए। जो लोग बिहार से बाहर काम कर रहे हैं वो सब ये जानते हैं, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि बिहार के अंदर रोजगार है नहीं। तो ये सब जो यातनाएं होता है उनको झेलने के बाद भी वो लोग चुप रहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनसे उनका पेट चलता है। अगर वो वहां से छोड़कर वापस घर आ जाएंगे तो अपने पेट को पाल नहीं पाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर बिहार की जो जनता है, बिहार के जो लेबर्स है, माइग्रेंट वर्कर बनते ही क्यों है? वो दूसरे स्टेट में जाते हैं क्यों है? क्यों उनको जाना पड़ रहा है? क्यों तमिलनाडु से कोई जो माइग्रेंट वर्कर है वो बिहार में आके काम नहीं करता है? क्यों कर्नाटका से कोई माइग्रेंट वर्कर बिहार में आके काम नहीं करता है? क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके स्टेट के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, आप फेल हो चुके हो एज अ गवर्नमेंट की लोगों को आप रोजगार दे पाओ, तभी आपके लोग इतनी ज्यादा संख्या में, इतने भारी संख्या में दूसरे स्टेट में जाके काम करते हैं। और सिर्फ माइग्रेंट लेबर्स की बात क्यों की जाए? आप एजुकेशन की बात कर लीजिए, कौन सा ऐसा इंजीनियरिंग ढंग का कॉलेज है बिहार के अंदर जिसमें कि बिहार के लोग इंजीनियरिंग करना चाहते हो? जब भी बिहार के लोगों को इंजीनियरिंग करनी होती है, किसी भी प्राइवेट कॉलेज से करनी होती है, मैं आईआईटी से एनआईटी की बात नहीं कर रहा, तो वो क्या प्रेफर करते हैं? नजदीक में कहीं जाना होता है तो वेस्ट बंगाल जाते हैं, या फिर कभी कभार यूपी में चले जाते हैं, कोई दिल्ली चला जाता है, पंजाब चला जाता है, या फिर मोस्ट प्रोबेबली जो मेनली लोग हैं वो प्रेफर करते हैं साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। क्यों भाई? तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर सही है तो ना तो आप अपने जिला के स्टूडेंट्स को कोई बेहतर शिक्षा दे पा रहे हो, ना तो किसी भी व्यक्ति को ढंग का जॉब दे पा रहे हो। किसी को भी ढंग का जॉब करना होता है वो बिहार से बाहर जाता है। तो ये पूरे बिहार गवर्नमेंट की नाकामी को दर्शाता है। और आप इसको छिपाने के लिए कितना भी प्रयास कर लो आप इसको रोक नहीं सकते, क्योंकि हर एक व्यक्ति जानता है कि बिहार के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज का लेवल है वो क्या है, हर एक व्यक्ति जानता है। नीतीश कुमार जी 10-15 सालों से बिहार के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, लेकिन एजुकेशन सिस्टम के लिए क्या आपने ऐसा कुछ रिवोल्यूशनरी बदलाव कर दिया? लोगों के जॉब के लिए आपने क्या ऐसा रिवोल्यूशनरी बदलाव कर दिया? उसके पहले लालू यादव जी की सरकार थी, वो सब लोग जानते हैं कि उनके राज में क्या हुआ, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बना, एजुकेशन का क्या महत्व था, लॉ एंड ऑर्डर का क्या लेवल था। एक आर्टिकल मैं आपके साथ शेयर करता हूं जो कि ओपन इंडिया का, उसमें आप पढ़िए कि क्या लिखा हुआ है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने गुजरात के चर्चित इशरत जहां एनकाउंटर पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कथित तौर पर इशरत जहां को बिहार की बेटी कहा था और एनकाउंटर की जांच करने की मांग की थी। हालांकि बाद में नीतीश कुमार अपने बयान से पलट गए थे और सफाई दी थी कि मीडिया ने उनकी गलती को बार बार गलत तरीके से पेश किया। अब ये जिस इशरत जहां की बात हो रही है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं कि आखिर कौन है ये महिला, थी कौन ये लड़की, थी कौन।
इशरत जहां लश्कर ए तैयबा की एक आतंकवादी थी और इशरत जहां को गुजरात पुलिस ने 2004 में इनकाउंटर के दौरान मार गिराया था। और ये जो इनकाउंटर था इसमें ऐसा नहीं था कि वो अकेली थी, उसके साथ और भी बहुत सारे लोग थे। और इसके ऊपर 2021 में कोर्ट का भी ऑर्डर आया था कि इशरत जहां एक आतंकवादी थी। और अगर बात करें मनीष कश्यप की कि फेक न्यूज फैलाने के कारण उनके ऊपर एनसे लगाया गया है, तो कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। बहुत जो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट है उनके कुछ हिस्ट्री आपके साथ मैं शेयर करता हूं कि उन्होंने किस तरीके से फेक न्यूज फैलाया और पूरे देश के अंदर जो ये हमारा सांप्रदायिक माहौल है उसको भड़काने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उनके ऊपर आज तक बिहार पुलिस ने ना कोई कार्रवाई की, ना ही बिहार गवर्नमेंट ने कोई कार्रवाई की। मोहम्मद जुबैर जो कि अपने आप को फैक्ट चेकर बताता है, उसने एडिटेड क्लिप शेयर किया था नुपुर शर्मा का, जिसके कारण कितनी सारी लाशें गिरी हमारे देश में। कन्हैयालाल की हत्या कर दी गई, इसी तरीके से सीरियल हत्या की गई अलग अलग स्टेट्स में, लेकिन क्या उसके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई हुई? नहीं हुई। चलिए तो बात छोड़ देते हैं, ये दूसरे स्टेट की बात है, अपने स्टेट बिहार की ही बात कर लेते हैं। रामनवमी के दौरान आपको पता होगा कि बिहार के कई इलाकों में अलग अलग जगह पे वायलेंस हुआ था, और इसके ऊपर नफरत फैलाते हुए मीर फैजल ने ट्वीट किया कि लखीसराय एरिया में जो बजरंग दल के लोग हैं, जो हिंदूज है, वो तलवार लहरा रहे हैं और प्रोवोकेटिव सॉन्ग्स बजा रहे हैं कि जिनको पाकिस्तान जाना है वो पाकिस्तान जाओ, हम तुम्हें फ्री टिकट्स प्रोवाइड कराएंगे। ये किस तरीके का ट्वीट है? मीर फजल के इस ट्वीट को पढ़कर कोई भी ये कह सकता है कि ये जानबूझकर सांप्रदायिकता फैलाने के लिए, सांप्रदायिक दंगे भड़काने के लिए ये ट्वीट कर रहा है। जबकि इस गाने का, इस वीडियो का जो असली सच है वो यही है कि लोग अक्सर ऐसा करते हैं, रामनवमी के दौरान सब लोग तलवार के साथ ही शोभा यात्रा निकालते हैं। और न्यूज के हिसाब से बहुत ही पीसफुल तरीके से शोभा यात्रा निकल रहा था, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन फिर भी मीर फैजल ने इसको ट्विस्ट करके एक सांप्रदायिक माहौल बनाने के लिए इसको ट्वीट किया। और अगर गाने में बज रहा है कि जिसको पाकिस्तान जाना है वो पाकिस्तान जो, हम लोग फ्री टिकट्स प्रोवाइड करेंगे, तो इस मीर फैजल को क्या परेशानी हो रही है? क्यों तुम्हें पाकिस्तान से बहुत ज्यादा प्यार है क्या? जो कोई कह रहा है कि पाकिस्तान तुम्हें जाना है तो जाओ हम फ्री टिकट प्रोवाइड करेंगे, तो तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। सिर्फ उसी व्यक्ति को इस गाने से तकलीफ हो सकती है जिसको कि पाकिस्तान से बहुत ज्यादा प्यार है, जो हिंदुस्तान को अपना कंट्री नहीं मानता। लेकिन इस मीर फैजल के ऊपर क्या कार्रवाई हुई है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और ऐसा नहीं है कि ये मीर फैजल ने पहली बार ऐसा किया है, राजस्थान के भी कुछ वीडियो को लेकर इसने फेक वीडियो शेयर कर दिया, कहा कि ये देखो मस्जिद के ऊपर कुछ जो लोग है वो भगवा झंडा लहरा रहे हैं, जबकि वीडियो की सच्चाई ये थी कि कुछ लोग अपने घरों के ऊपर भगवा झंडा लहरा रहे थे। और इसके ऊपर राजस्थान पुलिस ने रिएक्ट करते हुए कहा कि ये जो फेक न्यूज है इसके खिलाफ हमने 2 लोगों को अरेस्ट भी किया। लेकिन क्या मीर फैजल के ऊपर कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई। अब जो एक्चुअली में हमारे देश के लिए खतरा है उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ना एक FIR तक हो रहा है। लेकिन जो व्यक्ति भाई लोगों के हक के लिए बात करता है, करप्शन के खिलाफ बात करता है, भले उसके बोलने का जो तरीका है वो अलग है, अग्रेसिव बिहेवियर है, तो उसके ऊपर NSA एक्ट लगाना ये किस एंगल से सही है? और अब ये भी देखिए कि मनीष कश्यप के खिलाफ कितनी फास्ट कार्रवाई हुई है, मतलब लग रहा है फास्ट ट्रैक चल रहा है, सब कुछ 5-6-7 दिनों के अंदर ही निपट गया। इतने सारे केसेस हमारे बिहार के अंदर रखे पड़े रहते हैं, दबे रहते हैं, पुलिस स्टेशन में धूल खाते रहते हैं, बड़े बड़े केसेस, लेकिन भाई उन सब केसेस को छोड़कर ही मनीष कश्यप के पीछे लगता है जैसे कि मनीष कश्यप एक प्रायोरिटी बन चुका है। और इस पूरे मामले में सबसे बेहुदा काम करने वाले लोग हैं वो है बीजेपी वाले। हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, लेकिन यही सच्चाई है। बीजेपी के मिनिस्टर्स ने सबसे पहले ये बात निकाली थी कि तमिलनाडु के अंदर जो बिहार के लेबर्स है या जो हिंदी बोलने वाले लेबर्स उनके ऊपर अटैक हो रहा है। और जब ये मामला तूल पकड़ा, लोगों ने इसके ऊपर वीडियोस बनाए, तो बीजेपी के जो मिनिस्टर्स है वो खुद गायब हो गए, कहीं भी उनका नामो निशान तक नजर नहीं आ रहा है। और ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि बीजेपी के जो समर्थक होते हैं वो कई मामलों में अपने आप को अकेला फील करते हैं, क्योंकि जब उनको उनके पार्टी की जरूरत पड़ती है तब वो कहीं और गायब हो जाते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है मेरा कहने का कि मनीष कश्यप बीजेपी के लिए काम करते हैं, मेरा ये कहने का मतलब है कि बीजेपी के जो मिनिस्टर्स होते हैं वो अपने बातों से पलट बहुत जल्दी जाते हैं। वहीं पे अगर आप दूसरी पार्टियों की बात करोगे तो वो अपने समर्थकों के साथ खड़े रहते हैं, ये जानते हुए भी कि वो गलत है। आपको क्या लगता है, मनीष कश्यप के साथ अपनी पर्सनली दुश्मनी निकाली जा रही है और पावर का मिसयूज किया जा रहा है, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक कोइंसिडेंस है?